ये वो गेट है जिससे बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे तब वो यहाँ से निकले थे और बुद्धिज्म की खोज हुई थी, खोज नहीं हुई थी, बुद्धिज्म का निर्माण किया उन्होंने। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी है नेपाली रूप, वो देखो सामने क्या लिखा है। अरे वाह, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, छाता को वोट दे, आजाद जनता समाज पार्टी, क्या बोलते हो? नहीं, अच्छा नाम नहीं है। तो वहाँ पे देखोगे ना छोटे छोटे से ऐसे मार्ट से बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ भी गुप्ता फैंसी स्टोर, छोटा सा जो किराना स्टोर दिख रहा है ना आपको, वहीं से भी आखिरी सामान लेकर आया, सबसे सस्ता है। यहाँ पर है ना आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, ये लीगल परमिशन है नेपाल में। और आपने जो अभी देखा ना वो बहुत शानदार व्यू था, वो सारा कुछ जो है ना वो लुम्बिनी का एरिया था जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ वो घूमने वाली जगह है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और ये देख रहे हैं आप, ये जो अभी हमने ड्रोन शॉट से दिखाया था, ये साइड में जंगल है, जंगल जैसा माहौल बना रखा है। और वहीं साइड से जो है ना अंदर रास्ता गया हुआ है माया देवी टेम्पल के लिए। यहाँ जो स्ट्रेट हम उस वक्त जा रहे हैं ना, यहाँ से हमें बस लेनी है कपिल वस्तु के लिए, जहाँ पे बुद्ध 29 साल रहे थे उनका। लोगों ने ये बोल रखा है कि ना बुद्धा ने बूढ़े लोग देखे, बीमार देखे, बच्चे देखे, उसके बाद बुद्धिज्म की तरफ बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक नदी थी, उस नदी के पानी के बंटवारे के लिए बुद्ध ने अपना घरवार छोड़ दिया था। तो देखेंगे अगर वो नदी भी वहाँ मिलती है तो देखते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मतलब उस जगह पर जाने के लिए जहाँ बुद्ध 29 साल रहे थे। और जो जिस जगह पे हम जाने की सोच रहे हैं ना वो यहाँ से थोड़ा सा दूर और है। और समस्या क्या पता है आपको, हम सोचते थे कि MP में जो बोध गया है उसी की हालत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है, नेपाल में भी वही हाल है, कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। पैदल चल लेंगे, इतना तो हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए कहाँ तब करे थे बाबू? अगर सही बता रहे हो तो बताओ। बता ना पैसा कहाँ नहीं। यही वो लोकेशन है, तो यहीं खड़े रहोगे। तो ये वो लोकेशन है और इतने खास वो जगह है, और यहाँ पे है ना रोड तक नहीं है, डबल लेन नहीं तो सिंगल लेन ढंग से होना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं। नेपाल सरकार इसको बनाना नहीं देता है। नेपाल सरकार इसको बनाने नहीं देता है? हाँ, क्योंकि ये सब गांव ले रहा है ना, इसीलिए सरकार गांव ले रही है। हाँ, तो तुम लोग को शहर देगी, घर देगी बना के? शायद रहने नहीं देते आप लोग। अच्छा, ये जगह डेवलप होगी इसलिए रोड नहीं बनी है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गलत थी हमारे पास, यहाँ की गवर्नमेंट जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा करने वाली है, तो कम से कम हाल फिलहाल तो रोड बना ही लेते, बट वो है नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है और उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वो कपिल वस्तु, वो एशियंट इलाका है, बुद्ध ने 29 ईयर्स बिताए थे। और यहाँ देखो ये रास्ता बंद कर रखा है, द वेस्टर्न गेट, पश्चिमी द्वार। पश्चिमी द्वार है ये। जयंती फिल्म के बारे में बता रहे थे ना, वो ऐसा हाल है यहाँ पर भी कि लोग जयंती तो मनाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने किया था। बाकी एक दो लोगों से और बात करते हैं। देख लो ये पूरा सिटी था वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर है ना सारे गेट हैं, जैसे यहाँ मेन एंट्रेंस है, ये वेस्टर्न गेट है, ये पीछे का द्वार होगा, ये आगे का द्वार होगा, इधर का द्वार होगा। ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर था, ये पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यहाँ का मैप है। हाँ, ये शहर निकला हुआ। हाँ, ये यहाँ क्या था? ये गौतम बुद्ध
इसका फादर का ये राजधानी था पहले सुद्धोधन। हाँ, और ये जो है ना ये वेस्ट गेट है, ये पश्चिमी द्वार है। अच्छा। हाँ, ये इंट्रांस गेट है, यहाँ से पहले दरबार में आते थे और जाते थे। तुम्हारा नाम क्या पहले ये बताओ? मुकेश पासवान, पुराना नाम है, देखिए एंसेंट नेम है कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु तो वहाँ पे वो जो अभी यहाँ से बस स्टैंड से आए हम। हाँ, वो डुप्लीकेट है वो वाला, ऐसे बनाया मतलब है। वो बाद में बनाए। हाँ, नया कपिलवस्तु। हाँ, और ये जो है ना देखिए इसका पुराना नाम है कपिलवस्तु और नया नाम है तिलौरा कोट। अच्छा, तिलौरा कोट। हाँ, तिलौरा कोट का मतलब होता है, ती का मतलब होता है थ्री, तीन तीन इंच थ्री थ्री। हाँ, और लौरा का मतलब होता है अशोक पिलर, जो अशोक सम्राट ने यहाँ पर तीन अशोक पिलर गाड़े थे। अभी है? हाँ है। और कोट का मतलब होता है जो राजा बैठे थे वो जगह हो गया। अब चारों तरफ से दीवार। आर्कियोलॉजिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं रिसर्च करने के लिए जनवरी और फरवरी में यहाँ पर। अच्छा। ये सब पूरा नीचे था, ये सब जो देख रहे हैं ना। हाँ। ये सब पूरा नीचे था, ऊपर से वो मिट्टी था, ये सब पूरा रिसर्च करके उसको निकाला है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये जो जगह है ये वाला, यहाँ पर यूनेस्को ने यहाँ पर 2014 में यहाँ पर खनाई किए थे। ये सब दरबार का स्ट्रक्चर है पैलेस का। अच्छा। हाँ, और ये जो ऊपर जो ईटा दिख रहा है ना दो तीन लिया। हाँ। ये सब नया है, ये सब नया है ना। हाँ, जो। हाँ। पुराना है उसके नीचे है। तो ये ऐसा था, जो पुराना ईटा था उसे ऊपर से नया ईटा से उसका संरक्षण किया है, क्योंकि वो पुराना जो था वो खराब हो जाएगा इसीलिए। सुद्धोधन राजा थे। हाँ। उनका ये महल था या पूरा शहर था? ये उनका पूरा शहर था। हाँ, उनका किंगडम था ये। तो सुद्धोधन जो राजा थे ना, वो तो खेती करते थे ना। खेती करते होंगे ना वो। खेती क्यों करेंगे, खेती करते थे, जमींदार थे वो। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे मुझे पता है। और यहाँ पर एक तालाब था पहले, यहाँ पर एक कुंड था, यहाँ पर पहले एक तालाब था पहले। यहाँ पर जैसे नेपाल में बुद्धिस्ट है, तुम बुद्धिस्ट हो गया? नहीं, मैं हिंदू हूँ। तुम हिंदू हो? हाँ। तो यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट लोग रहते हैं? ज्यादा बुद्धिस्ट रहते हैं कि ज्यादा हिंदू रहते हैं? यहाँ पर तो इस जगह में बुद्धिस्ट नहीं है। बुद्धिस्ट है ही नहीं यहाँ? हाँ, इधर नहीं है। इतनी बड़ी जगह, यहाँ पे बुद्ध 29 साल यहीं रहते ना। हाँ। तो यहाँ बुद्धिस्ट नहीं है? नहीं है यहाँ पर बुद्धिस्ट। ये वाला, ये मेन पैलेस है। हाँ, यहाँ पर यूनेस्को और जापान और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और यूके का टीम ने यहाँ पर 1977 में यहाँ पर रिसर्च किए थे। तो यहाँ से 2200 से ज्यादा तांबे का और चांदी का सिक्का, कॉपर्स और क्वाइंस यहाँ से मिला। ये थोड़ा बता सकते हो यहाँ पे कहाँ राजा बैठते थे, कुछ पता है, आइडिया है तुमको? आइडिया एयरटेल है यहाँ पे। और यहीं से वहाँ बीच में बैठते होंगे ये। तो फिर से नया ही बनाया होगा। हाँ, ये ऊपर वाला सब नया है। तो ये सिर्फ ना स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ने गौतम बुद्ध के लिए तीन महल बनवाए थे। हाँ, एक गर्मी का था और एक जाड़ा। हाँ, का था। वो कहाँ था? हाँ, वही ये तो कहाँ वाला है। और एक उधर है और एक अभी नहीं मिला हुआ है, वो नहीं मिला है। हाँ, और उसका पाली नाम है, पहले का नाम है रम्बे सुरम्बे सुबुद्ध। वो सामने मंदिर है क्या? हाँ, वो मंदिर है। तो ये है ना वो महल है जहाँ पर बुद्ध के जो पिताजी थे सुद्धोधन, वो यहाँ रहते थे। और है ना वो ऐसी कोई कहानी थी ना कि उनको पता था कि जैसे बुद्ध जो है वो कुछ सालों बाद जो है सन्यासी बन जाएंगे या फिर एक महान राजा बनेंगे, तो उसके लिए उन्होंने महल में पूरा सारा कुछ सिस्टम बना रखा था कि वो महल छोड़ कर ना आ जाए। तो ये वही इलाका है जहाँ पर बुद्ध को एक तरीके से आप समझ लीजिए कैद कर रखा था। और ये सारा जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये सारा वो महल था। और यहाँ पे तीन महल बनाए गए थे, जैसे कि आप उनकी जो बुद्धानिज्म पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह की डिटेल है कि उनके आली शान ऐशो आराम का हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था, ताकि वो कभी भी लोगों से ना मिल पाएं या सन्यासी ना बन पाएं, इस तरह से की जो कहानी बुद्धानिज्म में है। अब ये सारे जो दिख रहे हैं ना आपको बॉक्स, ये कमरे होंगे। ये कमरा है, वो कमरा है, वो कमरा है, वो कमरा है। एक तो क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लॉगर्स हैं ना वो यहाँ इसलिए नहीं आते, ना तो यहाँ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ना यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े शोरूम या कुछ ऐसा देखने लायक चीज़ है। और जो चीज़ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो बुद्ध थे जो छोड़ के गए थे रात को। हाँ, उस गेट से, ईस्ट गेट से गए थे। ईस्ट गेट से गए थे। हाँ, चलिए अब वहीं पर। पहले ये महल है क्या वो? हाँ, यहाँ पर तीन पैलेस था ना, ये वाला ये दूसरा है। हाँ, ये दूसरा पैलेस। हाँ, और ये कभी नहीं मिला हुआ, उसका रिसर्च नहीं हुआ। ये दूसरा पैलेस है और है ना यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर भी रहते थे। हाँ, अब समझ आया। अब तुम एक चीज देख रहे हो, जैसे दिमाग में स्टोरी बन जाती है ना पैलेस की, बहुत बड़े बड़े होते होंगे। तो ये तो 3,000 स्क्वायर फीट का घर है। और क्या, अपने लोगों के पास पहले भी जमीनें नहीं थी। है कि महल 3,000 स्क्वायर फीट का, महल में राजा होता होगा, जमींदारी होगा ना? राजा तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना महल कितने बड़े होते हैं। वही कह रहे हैं, बात कुछ और है। तो जो स्टोरी निकल कर आई है ना वो तो हमें यही समझ आई, क्योंकि यार 3,000-4,000 स्क्वायर फीट के तो घर ही होते हैं। और अगर वो राजा या जमींदार थे तो आज के जमींदारों के घर देख लो आप, 10,000-15,000-12,000 स्क्वायर फीट पर बने हुए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, देख रहे हो, ये इतना एरिया है सर।
ये यहाँ पे खुदाई हुई है। ये बौद्ध भिक्षु हैं जो यहाँ पे आकर डिटेल बता रहे हैं। यहाँ पर है ना, उनको जानते हो? डॉक्टर अम्बेडकर, नाम सुना है कभी? डॉक्टर सी के राउत अम्बेडकर, अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर, नहीं नहीं सुना हूँ। ये देख रहे हो, ये जो इलाका है ना, यहाँ से ये ना बुद्ध गए थे छोड़कर, जब सिद्धार्थ गौतम थे, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो वो इस रास्ते की ओर गए थे। और जो रथ चलाता था उनका जो ड्राइवर था उसका नाम है छन्ना, उन्हें लेके और उनका राहुल बेटा था वो 7 दिन का था, उन्हें छोड़ के और अपने सुद्रा पत्नी को छोड़ के इस गेट से गए थे रात में। तो जाते जाते एक इंडिया में अनुमा नदी पड़ता है, वहाँ पर गए तो अपने बाल काटे और जो दरबार का जो ड्रेस था वो सब चेंज किए, उस सन्यासी का ड्रेस लगाएं और जो दरबार का जो घर गहना था वो जो कंथक घोड़ा था और जो उनका जो ड्राइवर था उन्हें दिए, बोले तुम सब जाओ कपिल वस्तु में मेरा पिताजी को दे दीजिए। और घोड़ा और जो रथ चलाता था वो सब जब लौट के आ रहे थे तो घोड़ा वहाँ पर मर गया था, कंथक घोड़ा। अच्छा, हाँ, अकेले सब कोई बैठा नहीं था? नहीं था, जो उनका जो ड्राइवर था वो था, घोड़े का ड्राइवर। तो ये समाधि है, ये ईस्ट गेट है, ये वो गेट है जिससे बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे तब वो यहाँ से निकले थे और बुद्धिज़्म की खोज हुई थी, खोज नहीं हुई थी, बुद्धिज़्म का निर्माण किया उन्होंने। और यहाँ पर देखिए हालत देखिए ज़रा, दूर दूर तक जो है कुछ डेवलपमेंट नहीं है। और ऐसा बोला जा रहा है कि नेपाल गवर्नमेंट जो है ये पूरा इलाका जो है बहुत बड़े लेवल पर बनाने वाला है। बुद्धा से जुड़े हुए जो भी कहानियाँ हैं ना उन सब के सबूत निकल रहे हैं, ये भी कुछ 100-200 साल पहले ही मिले हैं, उसको भी भुला दिया गया था। लेकिन बुद्धिज़्म की जो ताकत होती है ना, बुद्ध ने इतना बड़ा काम किया कि लोग उसको ज़मीन से गड्ढा खोद खोद के निकाल रहे हैं, कहाँ थे, कहाँ रहते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। तो हमने देखा ब्लॉग्स में कि बुद्ध कहाँ जन्मे थे, बुद्ध 29 साल कहाँ रहे थे। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? मेरे नाम है विशाल पासवान। और तुम्हारा? मेरा नाम आकाश चौहान। और तुम्हारा? अरुण पासी। तुम लोग पढ़ने जाते हो? हाँ, आज शनिवार है। आज शनिवार है, चूहे को बुखार है। सुनी कहानी? नहीं सुनी। चलो, पढ़ाई वढ़ाई होती है, कैसी हो रही है? कोरोना में चल रहे हैं स्कूल? हाँ, चल रहे हैं। चल रहे हैं स्कूल? हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं। काय का? जुड़ाई? हाँ। घर बनाते हैं? हाँ। तुम्हारे पापा? मेरे पापा दुकान उकान बनाते हैं। दुकान बनाते हैं? और तुम्हारे? विदेश। क्या? विदेश है। विदेश हैं? विदेश में? कौन से शहर में? इंडिया में? क्या काम करते हैं वहाँ? घर बनाते हैं। तो अब जो है ना ये ईस्टर्न गेट से हम लोग अब है ना म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ म्यूजियम है तो वहाँ पर है ना कुछ पुराने अवशेष मिल सकते हैं, तो उससे हमें समझने का मौका मिलेगा कि जो बुद्धा का घर था वो कैसा था। अभी तक तो जो बाबा साहब ने बुद्धानि धम्मा लिखी है ना, जो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उसकी कहानी सच लगती है कि ये जमींदार थे। ये तालाब है? हाँ। ये बताओ, यहाँ पे एक नदी थी, रोहिणी नदी? रोहिणी तो उधर है। ये देखो, एक ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर जब मन्नत मानते हैं हाँ तो पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर हाथी का स्ट्रक्चर है। तो भी यहाँ पे बना हुआ, देखिए हाथी है। मतलब जो बुद्ध के टाइम के टाइम उससे भी पहले से है ना एक हाथी का एक अलग महत्व था, तो मुझे लगता है उसी को धीरे धीरे डेवलप करके यहाँ तक ये सब हो गया है। मतलब आज तक हमने बुद्धानि धम्मा में जो भी पढ़ा है ना वो सब कुछ सच है, और यहाँ पर उन सब की खोज हुई है। अब बाबा साहब यहाँ क्यों नहीं आए होंगे, क्योंकि उस समय ये सब चीज़ें निकली ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था। अभी कुछ साल पहले ये सब चीज़ें पता चली ढंग से, तो मुझे लगता है आगे भी बहुत कुछ निकलेगा खुदाई में, अभी तो कुछ ही निकला है। तो वो जो है वो ईस्टर्न गेट था, और हम वापस से वेस्टर्न गेट पे आ गए और यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं। यहाँ पास में एक म्यूज़ियम भी है, तो अगर कुछ चीज़ ख़ास वहाँ देखने को मिले तो चलकर देखते हैं पास में।
यहाँ पर एक म्यूजियम है कपिलवस्तु का। तो ये यहाँ पर जो एक रोहिणी नदी थी वो यही है क्या? नदी है रोहिणी नदी, आपका नवलपरासी जिला में पड़ेगा, यहाँ से लगभग 250 तो जो लड़ाई हुई थी बुद्ध ने जिसकी वजह से घर छोड़ा था वो तो यही नहीं हुआ था। आपने नहीं पढ़ा बुद्ध का जीवन? अच्छा, वो ज्ञान के कुछ में निकल गए थे अपने परिवार को छोड़ के, वो आगे से वो आपने पूर्वी द्वार देखा होगा ना। तो वो ऐसा कहानी तो ये बताई जाती है इंडिया में कि साक के और कोहली के बीच में पानी की लेके लड़ाई हुई थी और इस वजह से बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। हुआ था वो जाते विवाद में कुछ हुआ था, उसके वजह से इंडिया के एक राजा ने यहाँ सगरवा ताले आगे उसमें 77,000 लोग, वो तो अलग कहानी है, वो तो अलग कहानी है। बुद्धा वाली कहानी नहीं, कुछ नहीं हुआ अलग। बुद्धा तो ज्ञान के खोजी में अपने परिवार को छोड़ के गए। चलो अपन भी चले। किसकी खोज में? कुरान की खोज में। मुझे लगता है म्यूजियम में जो है ना काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता था, बट आज क्रिसमस है और आज मेलोडी बॉय का भी जन्मदिन है, तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो आप।